तो ऐसे हमारे सब्सक्राइबर ही हैं अभी वीडियो में, वो आना नहीं चाह रहे हैं, बट ज़्यादा उन्हें चोट नहीं लगा है, अभी मेरे साथी है वो। मतलब ये जो टेलीस्कोपिक फोक्स है ये मतलब टूट गया, यहाँ से जो वेल्ड रहता है इसका, यही तो मेन है कि ये अगर टूट गया है तो ये अच्छा से काम करेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे साथ है यहाँ पे ऑल न्यू TVS रेडर 125, और ये हमारे सब्सक्राइबर की ही बाइक है जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी जो है इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे कराया है, पार्ट जो है वो आ जाएगा, और पार्ट जब चेंज होगा तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्या क्या डैमेज हुआ है। तो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, मतलब जैसे रास्ता में क्या होता है कि काफ़ी बार जा रहे होते हैं और अचानक से कुत्ता उत्ता आ जाता है सामने, तो उसके कारण ही ये प्रॉब्लम यहाँ पे आया और बाइक जो है वो स्किड कर गई और अनबैलेंस होकर बाइक गिर गया। और गिरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है ये डैमेज हो गया है, ये भी इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा, ये भी इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा, नंबर प्लेट भी पूरा घिस गया है, और ये जो मीटर के ऊपर का पार्ट है ये भी यहाँ पे चला गया है। और ये तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मीटर जो है वो इंश्योरेंस क्लेम में मिलता है या फिर नहीं मिलता है, बट ये और ये और यहाँ लाइट तक तो ये तो उम्मीद है कि पूरा चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि एक साइड का तो क्लेम पूरा मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पे टूट गया है, और इंडिकेटर जो है अभी जल रहा है, यानी एक बार जलाना इंडिकेटर, नहीं जल रहा, तो इंडिकेटर नहीं जल रहा, मतलब वायरिंग में भी प्रॉब्लम आया है, इंडिकेटर का जो वायरिंग है वो कट गया है, तो मतलब इंडिकेटर में भी डैमेज है, इंडिकेटर चेंज हो ही जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लग गया होगा, लीवर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है रेडर का, अपाची वाला है, तो ये डैमेज हुआ है। बाकी यहाँ पे डैमेज हुआ है ये जो मतलब यहाँ पे जो वेट मिलता है आपको हैंडल बार में, और यहाँ पे भी ये घिस गया है, तो इस साइड का तो सारा पार्ट क्लेम में आ जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ का बात करते हैं किधर उस साइड ना, हाँ, और लेग गार्ड का क्वालिटी देख लीजिए, लेग गार्ड को लेके काफ़ी लोग पूछते हैं, तो लेग गार्ड में भी स्क्रैच आया है बट बेंड नहीं हुआ है, हल्का फुल्का बेंड हुआ है बट ज़्यादा डैमेज लेग गार्ड में नहीं आया है। और ये तो पूरा ही मतलब एग्जॉस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट तो पूरा डैमेज हो गया, ये आप देख रहे होंगे पूरा एग्जॉस्ट के ऊपर जो कवर रहता है मफलर वो चेंज होगा, एग्जॉस्ट में भी डैमेज आया है। तो इस साइड का मतलब पूरा अच्छा खासा डैमेज हुआ है। कितना के स्पीड में था? 40, तो मात्र 40 का स्पीड में ही था, कोई ज़्यादा स्पीड भी नहीं था, कि ऐसा नहीं कि 80-100 में चल रहे हैं और उस टाइम पे हो गया, तो उतना में ही। और किसी तरह का कोई चोट लगा क्या? लगा, अच्छा ठीक, अच्छा थोड़ा चोट लगा है, ज़्यादा तो नहीं लगा ना, कोई दिक्कत? तो ऐसे हमारे सब्सक्राइबर ही हैं अभी वीडियो में, वो आना नहीं चाह रहे हैं, बट ज़्यादा उन्हें चोट नहीं लगा है, अभी मेरे साथी है वो, तो कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं आया। कब हुआ था एक्सीडेंट, कितना दिन हुआ है? ये हुआ था 28 नवंबर को। नवंबर को, मतलब लगभग में एक महीना हो गया है। और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं अगर इस साइड का, तो यहाँ पे जो इसका ये है ना, ये टूट गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेजर जो मुझे डैमेज लगा ना एक ये, मतलब ये नहीं टूटना चाहिए था, ये कैसे टूट गया वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बाइक उस साइड से गिरा और उसके बाद डैमेज भी हुआ तो इस साइड का हुआ है। तो उम्मीद तो काफ़ी कम है कि मतलब इसका जो क्लेम है वो मिलेगा, क्योंकि क्लेम मिलता भी है तो एक साइड का ही मिलता है। अब देखते हैं क्या रहता है पूरा प्रोसेस, वो मैं अभी नहीं बता सकता, अब एग्जैक्टली जब क्लेम होगा उस टाइम पे देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। बाकी ये टूट गया है, मतलब ये जो टेलीस्कोपिक फोक्स है ये मतलब टूट गया, यहाँ से जो वेल्ड रहता है इसका, यही तो मेन है कि ये अगर टूट गया है तो ये अच्छा से काम करेगा नहीं, और फिर ये दिक्कत करेगा, इस सस्पेंशन काम नहीं करेगा तो एक सस्पेंसर पर ज़्यादा लोड आएगा। तो अब देखते हैं। और ये भी फ्रंट का जो फेंडर है ये भी टूट गया ना, ये भी टूट गया, ये वाला ना, ये देख सकते हैं सेंटर से थोड़ा सा इधर के साइड अलाइन हो गया है, तो ये भी डैमेज हो गया है, ये भी चेंज होगा, और ये भी कहाँ कहाँ है इसका, यहाँ पे स्क्रैच पूरा आ गया। अच्छा, ये भी पूरा स्क्रैच आ गया है। और अगर यहाँ का बात करते, ये पैनल ठीक है बट ये जो है ये स्क्रैच आ गया है, तो ये भी चेंज होगा। बाकी अगर इस साइड से बात करते हैं, और ये मिरर वगैरह तो चेंज होगा ही, क्योंकि मिरर भी डैमेज है पूरा, यहाँ तक स्क्रैच है ना। गिरा था किस साइड से? ऐसे करके गिरा था, बाइक जा रहे थे इस तरह, हाँ राइट में गिरा, फिर हाँ तो दोनों तरफ घूम गया। ओ अच्छा, राइट लेफ्ट होके गिरा है, इसीलिए डैमेज हुआ है दोनों साइड्स पे, इधर का भी मिरर डैमेज हुआ है ना ये, तो मतलब बाइक जो है वो घूम गया था गिरने के टाइम पर, इसलिए इतना डैमेज आया है। और ये सब जो है ये क्लेम में चेंज हो जाएगा, अब देखते हैं कि पार्ट्स कब तक अवेलेबल होगा इसका। बाकी अभी तो यहाँ पे क्लेम किया था कि नहीं, क्लेम की थी जिस दिन हुआ, दो दिन बाद क्यों बोलो, दो दिन में आ जाएगा। अच्छा, अभी तो एक महीना हो गया तो सामान नहीं आया, खाली दुला रहा सर्विस सेंटर में। अच्छा, बार बार दुला रहा है। अच्छा,
तो पार्ट्स जो है वो फ्रेंड्स अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो मतलब ज़्यादा कोई मेजर डैमेज नहीं आया है। टैंक भी सेफ है, चलाने वाला भी सेफ है, और लेग गार्ड के कारण पैर वगैरह जो है वो बच गया है, तो ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आया है। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट जो है वो क्लियर हो गई हो। बाकी मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस यही था। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।